ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जानी मेरे से माफी मांगो, गलती तुम्हारी है, तुम माफी मांगो, मैं नहीं मांगूंगा माफी। मैंने जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगी, आज मांगनी पड़ेगी तुमको। ए अनिता, अरे चलो। अरे बाबा क्या हो गया जानी जरीना, क्या मसला है बाबा? अदा इसको देखे, ये मेरे से माफी नहीं मांग रहा है। इससे माफी क्यों मांगू मैं इससे बड़ा? अरे बाबा वो बड़ा होने से कुछ नहीं होता, इंसान का किरदार बड़ा होना चाहिए। अदा ये नो करो कि मेरी इज्जत नहीं करता है। बच्चू भाई को क्या बोल रही हो, ये कौन सी मेरी इज्जत करते हैं? अरे बाबा मैंने क्या किया है? बच्चू भाई से थोड़े से पैसे मांगिए कि अब्बा की ना कब्र पक्की करनी है, तो कहने कच्ची कब्र से निकल के कौन से तुम्हारे अब्बा भाग जाएंगे, बताओ वाला। अरे बाबा अपनी बात भी तो बताओ। जरीना मैं और ये एक दिन ना चिड़िया घर गए बाबा, मैं रीछ के पिंजरे के पास खड़ा था, मुझे पीछे से आके बोलता है परेशान मत हो अब्बा जी की जमानत हो जाएगी, बाबा ये बात करने वाली है। जानी ऐसी बातों से तुम्हारे खानदान का पता चल रहा है। चलो मेरे खानदान को तो पता चल गया, तुम्हारा खानदान तो रिसर्च पे चल रहा है। देखा देखा था ये कैसे जबान चला रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है। अरे बाबा लगता है जिस अस्पताल में तुम पैदा हुआ थे ना उस वक्त वहाँ पे स्टेज ड्रामा चल रहा था। जाओ जाके चाय बना के लाओ। विक्की कॉमेडी। जाओ बाबा। मैं कोई नहीं जा रहा। अरे बनिए। नहीं जाऊंगा मैं। अरे बाबा मेरी बात नहीं मान रहा है। नहीं मानूंगा भाई। अरे बाबा जाओ, मैं गुस्से में आ जाऊंगा। मैं नहीं जा रहा। अरे बाबा जाओ। मैं नहीं जा रहा, बस परे हो। जानी बाबा चले जाओ ना बाबा, जाओ चाय बनाओ ना बाबा। गुस्सा आपने ठंडा करा दिया इस तरह बोल के। बाबा ऐसा करना पड़ता है, जाओ नाराज बाबा, जाओ जाओ जाओ, जल्दी लाना बाबा, चीनी कम डाला। देखा बाबा मेरा रोब देखा तुमने? अदा इतना भी गुस्सा मत करो, वरना घर का खाना कौन बनाएगा? हाँ बाबा इसीलिए तो मैं थोड़ा नरम में पड़ गया था। बच्चों में वैसे एक बात है बाबा, तमीज से हंसी मजाक में अच्छे लगते हैं। बाबा मालिक हो तुम्हारा? मालिक तो अल्लाह की जात है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अरे बाबा अगर एक कतरा भी मेरे घर में पानी आया तो मैं आप पे सोना भी छुड़वा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, हमें तैरना आता है। मैं तो डूब जाऊंगा ना। चुल्लू भर पानी में? अरे नहीं नागाने में। अरे बाबा आप समझे बात को, टंकी का काम करवाने के लिए पूरी टंकी तोड़वानी पड़ेगी बाबा। तो तोड़वा दे। अरे बाबा टंकी तोड़वा दी तो हम नहाएंगे कैसे? एक दिन के लिए होक्स पे चली जाएगा। लेकिन फिर आप भी साथ चलेंगी? मैं क्या सुजुकी चलाती हूँ बाबा? मोटरसाइकिल पे जाएंगे ना। एक मोटरसाइकिल पे तीन कैसे बैठेंगे? अरे बाबा मैं आगे बैठूंगा मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल चलाऊंगा, आप पीछे बैठेंगी। तो भाई मैं किधर? अरे बाबा तुमने बड़ी आराम से लालटेन हाथ में पकड़नी है, आगे आगे मोटरसाइकिल के भागना। क्यों? अरे बाबा मोटरसाइकिल की लाइट खराब है। ऐसे हम जाएंगे कहाँ? बाबा सीधा जिना जाएंगे। जिना के बाद फिर ऑक्स पे। अच्छा बस करे, जितना कहा है उतना ही करे, वरना अपने शोर से शिकायत लगा दूंगी। अच्छा बाबा वो कहाँ है? कब्र में। अल्लाह माफ करे, कब्र में है तो ये हाल है, जिंदा होते तो जल्दी आ जाता। हाँ बाबा। अच्छा बाबा छोड़ो सब चीजों को, तुम टंकी का काम करवाओ बाबा। वो डेवरा टंकी का काम का। अच्छा चलो काम। अरे भाई चाय नहीं आई अभी तक। आ जाएगी बाबा आ जाएगी, बेग साहब आपके अचानक आने की कोई खास वजह? हाँ भाई हमने इलाके में गश्त बढ़ा दिया है, क्योंकि आजकल जराइम बहुत बढ़ते जा रहे हैं। उस दिन तो आप कह रहे थे कि आबादी बढ़ रही है। बकवास बंद करो, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आजकल इलाके में चोरियाँ बहुत हो रही हैं और मैं उसी के लिए आया हूँ यहाँ तहकीकात करने के लिए। अच्छा लेकिन आपको कैसे पता? बेग साहब आप चले जाए वरना होती रहेगी। क्या बदतमीजी? अरे बच्चू भाई सारी बातें छोड़े, सारी बात। एक बात बताए बेग साहब, आप तो ये पुलिस की वर्दी में घूमते, चोर दूर से देखता होगा साइड पे हो जाता होगा तो। अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ बाबा बगैर यूनिफॉर्म के घूमे? क्या मतलब है तुम्हारा? इनका मतलब ये कि सिविल ड्रेस में। हाँ बाबा सिविल कपड़ों में, लेकिन जानी की तरह आधे कपड़ों में नहीं पूरे कपड़ों में। और फिर तुम दोनों ने बदतमीजी शुरू कर दी और फिर वही बग 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 बग, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया। बच्चू एक दफा तुम लोग मेरे हाथ चढ़ गए ना तो तुम्हारे दिमाग सही कर दूंगा। बेग साहब गुस्सा नहीं करे, चाय पी के जाए। गुस्से में बहुत बुरे लगता, बुरे लगते बाबा चाय कौन पिएगा जी, हर वक्त गुस्से में रहते हैं यार। अच्छा बहर चाय बज गई, चलो चाय पी लेता हूं।
बच्चू भाई एक बात बताओ, जो मजा ये इसमें पिच में डाल के पीने का मजा है ना, वो शुरू शुरू करके पीने में नहीं है। आ रहा है ना मजा, आ रहा है ना, देखा देखा मजा आ गया। अरे बाबा वो बेग साहब बता कर गए थे कि ख्याल रखना आजकल मोहल्ले में बहुत चोरियां हो रही हैं और उसकी वजह से हमारे मोहल्ले में बहुत सारी पुलिस भी आ गई है। और तो हमारे घर में ऐसा कुछ है नहीं जो चोरी होगा। क्यों, मेरे जेवर नहीं है क्या? अभी तक बला का चोरी नहीं हुआ। क्या बकवास कर रही, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हैंड्स अप, हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो। हाँ बाबा कर लिए, लेकिन आप हैं कौन? तुम्हें मेरी टोपी से नहीं लग रहा कि मैं कौन हूँ? पुलिस पुलिस वाली लग रही है आप। पुलिस 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 आप नहीं देते। रजिया नाम है मेरा और यहाँ पे मैं किसी वजह से आई हूँ। लेकिन हमारे घर में आने की कोई खास वजह? मुझे किसी ने बताया है कि इस घर में कोई रहता है जो वारदातें करता है। जी ये क्या कह रही हैं आप? आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भी वारदातें कर रहे हैं। क्या? नहीं बाबा, इसका मतलब है कि हम वारदातियों पे वारदात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम पुलिस की मदद कर रहे हैं। लेकिन चोर डाकू तो घूम रहे है ना मोहल्ले में। हो सकता है बाबा के घर में बेच बेच के बोर हो गए हो। बकवास बंद करो। तुम नहीं जानती कि मैं कितनी सख्त हूँ। अरे बाबा आप इतनी सख्त हो तो 5 दिन पानी की टंकी में बैठ जाए, नरम हो जाएंगी। क्या बात कर रहे हैं बच्चू, ये कोई डबल रोटी थोड़ी है जो नरम हो जाएंगी। तुम लोगों में से जानी कौन है? हाँ अब जानी हमारे घर में नौकर है। तो उसको बुला के लाओ। मोहल्ले वालों को उस पे शक है। ठीक है चले। हाँ बाबा आप यही रुके, हम बुला के लाते हैं। चले आप यहीं बैठे बाबा। जाने हाँ हाँ काम हो जाएगा हो जाएगा, बस आप पैसों का बंदोबस्त करें। अरे तगड़ी पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है। हाँ बस समझो, हो गया। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह। अरे बाबा ये तुम किससे पैसों की बात कर रहे थे? आपको क्यों बताऊँ, ये मेरा काम है, मुझे करना था। तुम्हें बताना पड़ेगा जाने कि ये कौन सी पार्टी और कौन से पैसे। एक बात बताएं, किस बात पे आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? बाबा एक बात बताओ, तुमने नया मोबाइल तो नहीं लिया है? हाँ लिया है। तुमने कोई घड़ी तो नहीं खरीदी? नहीं। हाँ कल ही तो लिए। बाबा तुम नई गाड़ी खरीदने का तो नहीं सोच रहे हो? अभी अभी तो सोच रहा हूँ। वो पुलिस साहब बिल्कुल ठीक है नहीं। कौन पुलिस वाली? बाबा एक पुलिस वाली आई है, वो तुम्हारी तलाश में है। मेरी तलाश में? मैंने क्या किया? ये तो तुम उसी से पूछो। वो कहाँ है? अरे बाबा उधर ड्राइंग रूम में बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छा मैं पिछले दरवाजे से निकल जाता हूँ। अरे बाबा ऐसे कैसे निकल जाता हूँ, तुम चले जाओगे तो बाबा वो हमें पकड़ के ले जाएगी। अरे मैं बता तो रहा हूँ अशीमा मैडम, मैं आपको बता दूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो तुम उन्हीं को बताना। हाँ बाबा चलो मेरे साथ चलो बाबा बताना। आओ बाबा मोबाइल उठाओ बाबा, जेब में रखो जेब में रखो जेब में रखो। चलो जाओ जाने जाओ। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। तुम जानी हो, नाम तो नवाबों वाला है लेकिन काम चोरों वाला करते हो। नहीं 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 मैडम, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ नौकर हूँ, मैं हर काम तेजी से करता हूँ। हाँ मैडम ये काम बहुत तेजी से करता है बाबा, 1 लीटर में 300 किलोमीटर चलता है, धुआं भी नहीं देता। चुप करो, तुम दोनों इस घर के मालिक कम और कॉमेडियन ज्यादा लग रहे हो। असल में हम लोग यहाँ हंसी खुशी रहते हैं। ये तुम दोनों का ससुराल है क्या? बच्चू भाई का तो ससुराल है, मेरा तो घर है। बाबा झूठ बोल रहा है, मेरा घर है बाबा। झूठ ये बोल रहा है, इसकी बीवी का घर है। अच्छा बकवास बंद करो, मुझे तुम ये बताओ हंस क्यों रहे? गुदगुदी हो रही है कि A49 में जो डकैती हुई थी उसमें तुम शामिल थे? मैडम मैडम कसम से मैंने तो घर ही नहीं देखा वो। लेकिन रिपोर्ट हमारी पक्की है, गवाह भी हमारे पास मौजूद है। हाँ मैडम किसी ने गलत बताया आपको? ओए मेरी खबर कभी गलत नहीं होती है। किसी से भी पूछ ले, हम लोग नहायत ही शरीफ नेक लोग हैं। लेकिन शक्ल से तो नहीं लगते हो शरीफ। बाबा शक्ल से तो आप अभी पुलिस वाली नहीं लग रही हैं।
नहीं नहीं वैसे हैं तो सही ना, हैं तो सही ना। अच्छा मैंने तलाशी लेनी है। तो तलाशी लेगा कौन? मैं खुद। कहाँ से? यहीं से। हाँ बाबा ले ले, जहाँ खड़ी है वहीं से तलाशी ले ले। तो तुम लोग जाओ यहाँ से। अच्छा हम अंदर जाएं या बाहर जाएं? चलो चलो बाबा निकलो। वो तुमको नहीं बताएगा, मालिक को बोलो। मालिक क्या मतलब है? मैं तुम्हें क्या शक्ल से मालिक नहीं लग रही हूँ? वो तुम नौकरानी लगते। क्यों बोला, क्या मेरी शक्ल पे लिखा है? वो पैसे दो हमको। अरे बाबा बाद में लेना, अभी घर में कोई नहीं है। क्यों, क्या हुआ, किधर? अब घर में वो तफ्तीश चल रही है इसलिए। चलो जाओ ना बोला, बारिश में सुकून नहीं आ रहा क्या तुमको? वो तफ्तीश कैसा तफ्तीश? बाद में जब पैसे लेने आएगा ना फिर मैं बता दूंगा, अभी मेरा दिमाग खाने की जरूरत नहीं। जाओ निकलो यहाँ से। जाने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है जो मैं इतनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। सीमा मैडम मैंने कुछ नहीं किया। बाबा ऐसा कुछ किया तो है, वरना ये पुलिस वाली यहाँ क्यों आती? मुझे क्या पता। अरे मैडम कुछ मिला? नहीं अभी तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा। मैडम मुझे लगता है कि आपको किसी ने गलत मुखबरी की है। जी जी मैडम, हमारा नौकर चोर बिल्कुल नहीं है। बाबा ये डकैत है। क्या? नहीं 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 भाई, बच्चों भाई क्या हो गया? ये चोर हो या डकैत पता चल जाएगा क्योंकि तलाशी जारी है। अरे आप इसके कमरे की तलाशी क्यों नहीं ले लेती? इसका कमरा कौन सा है? बाबा कोई कमरा नहीं है इसका। क्यों, मैं दरख्त पे रहता हूँ। हैं? अब मत दरख्त पे रहना तुम। क्यों? क्योंकि जिन के बच्चे डर जाएंगे। मैडम आप भी खामोश। खबरदार ज्यादा दोस्तियाँ गाड़ने की जरूरत नहीं है। अरे छोड़े मैडम छोड़े, आप तलाशी ले लेना। वही तो कर रही हूँ। अरे बाबा जानी तुमने मरवा दिया है बाबा ये। मुझे क्या पता। समझाओ बाबा समझाओ, इसको छेड़ा तो नहीं था तुमने? सीमा मैडम यकीन करें मैंने कुछ नहीं किया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आप कुछ कर रही है? आप बोलो तो मैं आपकी मदद कर दूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं अपना काम खुद ही कर लेती हूँ। मैं भी अपना काम खुद करती हूँ। तो जाओ अपना काम करो। वैसे एक बात तो बताए, आप कुछ तलाश कर रही है या कुछ ढूंढ रही हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप कुछ तलाश कर रही है या कुछ चोरी कर रही है? अच्छा जाओ मुझे काम करने दो। बाबा आप काम करना, काम दिखाना देना। जाती हो या बताऊं तुम्हें मैं? ठीक है मोटी, ताकत मेरे पे क्यों आजमा रही है? चल। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जानी अगर घर से कुछ निकल आए ना तो तुम भी निकल जाना। हाँ बाबा, और अपना मुंह जो है ना मंगू पीर की तरफ कर लेना। नहीं नहीं वहाँ नहीं जाऊंगा, वहाँ मगरमच्छ होते। अरे बाबा अगरमच्छ ना मगरमच्छ, तुम्हें जाना पड़ेगा और वादा निभाना पड़ेगा। गाना सुना रहे हैं या फैसला? अरे बाबा गाना सुना रहा और उसी में फैसला भी है मेरा। ये आपका आखिरी फैसला? अरे भाई पहले घर से कुछ निकलने तो दें। निकल गया निकल गया। देखा बाबा मैंने कहा था ना कुछ ना कुछ तो निकलेगा। चलो बाबा सामान लपेटो निकलो। अरे एक सेकंड जैना सच सच बताओ, ऐसा क्या निकला है जानी के कमरे से? पापा जानी के कमरे से सारा कचरा निकाल दिया, ऐसी तलाशी ली उसने। चलो इस बारे मेरे कमरे का कचरा तो साफ हुआ, लेकिन आता जिस तरह वो तलाशी ले रही थी ना अब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। बाबा कहीं वो सूंग तो नहीं रही थी नोटों की खुशबू को? अरे सूंग का ढूंढना भी तो एक ट्रेनिंग है। अरे नहीं बाबा, वो तो ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे चोर कोई चीज ढूंढ रहा हो। देखा मुझे पहले ही शक था। बाबा मुझ पे? नहीं नहीं नहीं, आप पे तो यकीन है, उस रजिया पुलिस वाली पे। हाँ हाँ जानी बिल्कुल सही कह रहा है, वो अभी है कहाँ?
अब वो तुम्हारे कमरे की तरफ गई है। तो चलो पकड़ो उसको। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी चलो। आप दोनों जाओ, आप लोगों का कमरा। नहीं जाने तुम हमारे साथ चलोगे, उसने गोली चला दी तो मैं क्या करूँगा। अरे बाबा कुछ भी नहीं, बस तुम सामने आ जाओ, थोड़ी सी तो लगेगी लेकिन काम तो पूरा कर देगी। अरे भाई बस करो अपनी बातें, चलो 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 आओ जानी आओ। हेलो हेलो आप कौन है, किस थाने से आई है? अब तुम कौन हो? मैं मिस्टर बेग हूँ। लाल बेग? लाल बेग नहीं, मैं पुलिस वाला हूँ। लेकिन तुम कौन और किस थाने से हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। लेकिन तुम्हारे होलिया से तो नहीं लग रहा कि तुम पुलिस वाले हो। मैं पुलिस वाली हूँ। कार्ड दिखाऊं क्या? अच्छा ठीक है ठीक है। सुनो तुमने और मैंने मिलके इस इलाके को देखना है, क्योंकि सुना है कि यहाँ पे बहुत वारदातें हो रही हैं। अरे मैडम जहाँ इंस्पेक्टर बेग होता है ना वहाँ सब चेक होता है। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन का टाइम हो गया। बाहर तेज बारिश हो रही है, आप कहें तो मैं छोड़ दूँ आपको। तुम्हारे पास गाड़ी है? नहीं मेरे पास बाइक है, मोटरसाइकिल, और चलानी भी नहीं आती। बदतमीज। अच्छा इस घर पे नजर रखना, कुछ भी हो तुम मुझे इत्तला करना। अरे मैंने तो तुम पे भी नजर रखी हुई है, घर क्या है? बच्चों बच्चों मेरा जेवर, मेरा जेवर, जाने जाने। अरे क्या हो गया भला, गला फाड़ फाड़ के क्यों चीख रही है? जानी बाबा गजब हो गया है, गजब। मेरा सारा जेवर चोरी हो गया है। क्या कुछ भी नहीं छोड़ा? नहीं बाबा छोड़ा ना, वो कांच वाली चूड़ियां छोड़ी है। मैं क्या करूं? क्या करूं? कांच वाली चूड़ियां तोड़ दे। अरे बाबा ये हम लोगों में नहीं होता। मैं तो पहले ही कहता था, आप ऐसे मुझ पे शक कर रहे थे। मेरा तो सब कुछ चला गया ना। हाँ बाबा सब चला गया, सिर्फ मैं ही बचा हूँ। जब ही तो रो रही है वो। अस्सलामुअलैकुम भाई, सब लोग खैर खैरियत से हैं? कोई परेशानी तो नहीं? अरे बेग साहब बहुत बड़ा मसला हो गया बाबा। क्या हो गया मसला? आपके घर तो खुद पुलिस वाली आई है। नहीं नहीं बेग साहब, वो कोई पुलिस वाली नहीं थी। तो फिर कौन थी वो? बाबा वो थी वो चेपी, चेपी बाबा, चोर पुलिस थी बाबा। और सिबा मैडम का सारा जेवर लेके चली गई है। मैंने कहा था ना कि बहुत होशियार रहना, किसी वक्त भी कोई वारदात हो सकती है। आखिर हो गई ना वारदात। अच्छा सब कुछ हो गया, लेकिन अब करें क्या? अब कोई फायदा नहीं, अब तो वो रोड़ी तक पहुँच गई होगी। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। सुबह तुमने मेरे जेवर को टोका था, देखो सारा चोरी हो गया। बल्ले जैसे मेरी जबान तो नांग की है ना कि मैंने बोला और वो हो गया, गलती खुद करो, इल्जाम मेरे पे बड़ी आई गई। बकवास बंद करो अपनी, तुम भी अपनी बकवास बंद करो। जानी तुम्हें आजकल कुछ ज्यादा ही काम होने लगे, और ये अपनी नानी के जमाने का पंखा हाथ में ले क्या कर रहे हो? दिखाना था ना आपको। इसमें ऐसा क्या है दिखाने वाला जानी? तुम्हारी तनख्वाह काटूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बाबा, सजा भी मिलेगी तुम्हें और तनख्वाह भी कटेगी बाबा, तुम्हारी बात करता है मेरे साथ। बच्चू भाई मुझे लगता है गुस्से में आप गर्म हो गए, एक मिनट मैं जरा आपको हवा दे दूं ताकि आप फ्रेश हो जाएं। बाबा जानी कोई बात नहीं, तुम सामान नहीं लाया तो। अरे वाह जानी, अब तुम हवा क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद ही नाश्ता बना लेती हूँ, अपना भी नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारा भी। मैं हूँ ना बाबा आपका खादिम, जो काम है सही मुझे बोले बाबा, मैं लेकर आता हूँ, बताओ बाबा बताओ। अच्छा एक काम करो, जब तक मैं कहूँ ना यहाँ से आपने हिलना नहीं है। ठीक है बाबा। आपको किसने क्लास से बाहर निकाला है? अरे बाबा मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ सीमा, मुझे भी नहीं पता। ये लो और हुक्म करो। अरे नहीं नहीं, हुक्म की क्या जरूरत है, यही बहुत है, जो चाहिए होगी तो और मांग लूंगा मैं आपसे। अरे मांग लूंगा क्यों, ये लो तुम ये एटीएम कार्ड रखो, जब दिल करे निकाल। नहीं नहीं नहीं, कार्ड तो मेरे पास भी है। अरे बाबा जानी साई आप खड़े क्यों हो बाबा, बैठो ना बाबा, गाना गाओ ना, आ जाओ बाबा बैठो। उठे खिदमत करे थोड़ी सी मेरी बाबा, बैठो बैठो। ठीक है आपकी प्लेट प्लेट। जानी साईं आप किचन में क्या कर रहे हैं बाबा, आप जाएं बाबा, खाना आपका, भाई आपका, खादिम बनाएगा ना। इम्प्रोवाइज़ी नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जोनो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में
कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।